अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 3x अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। इसका लिमिट लेंगे LHL साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एफ 0 माइनस एच हो जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस एच पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला यहाँ पे आ जाता है, साइन माइनस 3h, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, हमने पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 3h अपॉन h होगा। हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है h को और 3 से डिवाइड भी किया है, तो कैंसिल आउट होगा तो h ही बचेगा। लेकिन ये इसलिए क्या है कि लिमिट का एक फार्मूला है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको सॉल्व आगे हम जब प्रोसेस करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 साइन 3h अपॉन h 3h हो जाएगा, और इसको जब हम लिमिट को टेंस करेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 × 1 3। लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, राइट हैंड साइड के लिए भी ऐसा ही होगा, 0 प्लस h हो जाएगा, 3h साइन 3h अपॉन h होगा। यहाँ पे भी 3 से h को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3 साइन 3h अपॉन 3h, ये पूरा टर्म 1 होगा, तो 3 × 1 = 3। RHL भी अपना 3 है, तो मतलब क्या हो गया कि LHL और RHL दोनों इक्वल है। अब हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 1 है, तो मतलब क्या हो गया, LHL इक्वल टू RHL तो है लेकिन वो f0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।